कल्ला इन्नहा तज़किरा, ये लफ्ज बहुत अहम है। तज़किरा, ज़िक्रा, तज़कीर, फज़क्किर बिल कुरान, क्या मानी है इसके? याद दहानी सही तरीन तर्जुमा है, याद दहानी। एक है किसी को कुछ सिखाना, नई बात सिखाना, एक है याद दहानी, उसे एक चीज मालूम थी कोई भूल गया, याद कराना। जैसे आपके किसी दोस्त ने आपको बहुत कीमती कलम दिया था, आपने उसे बहुत संभाल कर अपने ट्रंक में रख दिया। अब साल हा साल हो गए न दोस्त से मुलाकात न वो याद। अचानक आपने किसी रोज ट्रंक खोला और वो कलम आ गया, तो आपको दोस्त याद आ जाएगा कि नहीं? इसीलिए कुरान आफाक व अनफुस के लिए आयात कहता है, हम अपनी आयात दिखाएंगे तुम्हें, निशानी जिसको देखकर तुम हमें पहचानोगे। और तज़किरा का मतलब क्या है? पोटेंशियली ईमान हर इंसान के दिल में मौजूद है। ये जो रूह जो हमारे कल्ब की बसकर नकीद है, इसमें अल्लाह की मार्फत भी है, अल्लाह की मोहब्बत भी है। अलबत्ता ज़हूल के पर्दे पड़ गए हैं, भूल और निसियान तारी हो गया है, हम दुनिया ही के अंदर गुम होकर रह गए हैं। हमारी सारी दिलचस्पियां दुनिया से हैं, लिहाजा हमारी तवज्जो ही नहीं है। वरना हर इंसान के दिल में ये जो यहां हिंदुस्तान में कहते हैं आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का तो ताल्लुक बहुत गहरा है। इब्तिदा में बना दी गई थी अरवाह, जब हम सबके सब तमाम इंसान आदम से लेकर और ता कयामत कयामत जो इंसान आएगा दुनिया में, उन सब की अरवाह पैदा कर दी गई। और पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, याद है। लिहाजा ये तज़किरा है, ये याद दहानी है, तुम्हारे अंदर मौजूद है। अल्लाह की मारिफत भी मौजूद है, अल्लाह की मोहब्बत भी मौजूद है। लेकिन कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यअमलून, इनके दिलों पर जंग आ गया है अब उनके आमाल की वजह से, शीशा जो है वो जंग आलूद हो गया। हुजूर ने फरमाया इन हाज़िहि अल-क़ुलूब लतस्तौ कमा यस्तौ अल-हदीदु इज़ा असाबहु अल-मा, इन दिलों पर भी जंग आ जाता है जैसे कि लोहे के ऊपर पानी पड़ता रहे तो उसको जंग आ जाता है। पूछा गया फमा जलाओ हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारी तलवारों को जंग लगता है, हम पॉलिश करते हैं, सैकल करते हैं, वो फिर चमक उठती है, तो दिल पर अगर जंग आ जाए तो उसका इलाज क्या है? दो चीजें फरमाई, कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, दो काम करो कसरत से, मौत को याद रखो, यहां रहना नहीं है, जाना है, यह हमारा घर नहीं है, यह हमारी मंजिल नहीं है। हमारा असल घर जो हुजूर ने फरमाया इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा, यह दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, तुम आखिरत के लिए बनाए गए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब उन आबिद सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे राह चलते मुसाफिर हो या अजनबी हो। अपने बारे में फरमाया माली वाली दुनिया मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या सरोकार, इन्नमा मसली करा के बिन इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा फतरका, मेरी मिसाल उस मुसाफिर की सी है जो जरा सस्ताने के लिए किसी दरख्त के साय में बैठता है थोड़ी देर, वो उसका घर तो नहीं है, उसकी मंजिल नहीं है, फिर वो उसको छोड़ता है, अपना रास्ता लेता है। ये अगर हमारा तस्वुर कायम हो जाए कल्ला इन्नहा तज़किरा, अब उसके बाद जो अल्फाज आए फी सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहरतिन बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा, ये जो कुरान है जो तज़किरा है, ये बड़े ही इंतहाई पाकीजा सहीफों में है। फी सुहुफिन मुकर्रमतिन, बड़े बाइज्जत मरफूअतिन मुतहरतिन, मरफू बुलंद और इंतहाई पाक, बेअदी सफरतिन, ये किनके हाथों में है? लिखने वाले वो फरिश्ते, बेअदी सफरतिन किरामिन बररा, जो नहायत बाइज्जत है, बहुत वफादार है अल्लाह के।
یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی جو پڑھیں گے ہم, کتاب مکنون, چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ. یہ تو اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے, بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے.